अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जानवीज़ किचन। आज हम बनाएंगे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 3 शिमला मिर्च ली है कटी हुई, 2 आलू कटे हुए पीसीस में, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए, स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को गरम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा को हल्का सा चटकने देंगे। जीरा चटकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी कुछ सेकेंड के लिए पकाएंगे प्याज के साथ। अदरक लहसुन को भी मैंने प्याज के साथ पका लिया है, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च को हम बाद में डालेंगे क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी पक जाती है और आलू थोड़ा देर से पकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, टमाटर सॉफ्ट होने तक। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम शिमला मिर्च को पकाएंगे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद 4 से 5 सेकेंड के लिए पकाएंगे सब्जी को। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और ये देखिए आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। आप इस सब्ज़ी को रोटी, पराठे या पूरी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।